तो दोस्तों अपन ने क्या था ना, जब पाई में KYC कर ली, उसके बाद अपन ने माइग्रेशन किया था 14 दिन के लिए, ठीक है। तो अब माइग्रेशन की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए एक वीडियो बनानी बाकी है। पर उसके पहले अपन देख लेते हैं कि माइग्रेशन के बाद जो वॉलेट में पाई आए हैं वो अवेलेबल बैलेंस में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैं अपना वॉलेट खोलता हूँ। अब मैं अपना वॉलेट खोलता हूँ, wallet.py पे क्लिक करके अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, क्योंकि मेरे पास फिंगरप्रिंट है मोबाइल में। ये देखिए, मेरे 1336.29 पाए आए हैं अकाउंट में, इसमें से 1202 पाई तो लॉक्ड है और 132 पाई अनलॉक है, और एक पाई मुझे कहता है मेनेट के तौर पे मिला है कि मैं मेनेट में आ गया हूँ कोडिंग तक। तो मैं 132 पाई पर क्लिक करूँगा। अब मेरी 18 तारीख को शाम को 7:34:25 पर आ गए थे ये पाई। तो अब मैं इसको मूव कैसे करूँ, तो माइग्रेशन पे क्लिक करना है। ये तो हिस्ट्री थी, अभी माइग्रेशन क्लिक किया, अब यहाँ मूव है। मूव करने के बाद ये अवेलेबल बैलेंस जो 0.0 है यहाँ पर ही आ जाएंगे। तो ये मूव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कन्फर्म। ये लिख रहा, आफ्टर कन्फर्मेशन दिस अमाउंट विल बी मूव्ड टू योर अवेलेबल बैलेंस। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है, और ये देखिए मेरे वॉलेट में यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से किसी को मैं ये सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस में जितना बैलेंस होगा वही हम सेंड कर सकते हैं। जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे उसका पब्लिक एड्रेस जानना है, रिसेप्शन एड्रेस में, और यहाँ पर मुझे अमाउंट लिखना है कि कितने, 20 पाई, 1 पाई, या 0.0007 पाई, 4 पाई, ऐसे मैं सेंड कर सकता हूँ। ट्रांजेक्शन फीस लगी अपनी 0.01 पाई कोर टीम की तरफ से। तो ये है, उसके बाद मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ उस इंसान के वॉलेट में, वो पाई कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में उसके वहाँ पर आ जाएंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगी। देखिए मैंने मूव टू अवेलेबल बैलेंस कर लिया है, और जब मुझे रिसीव करना होगा तो मैं रिसीव पर क्लिक करूँगा, और जो ये हमारा पब्लिक एड्रेस है इसे कॉपी करके मैं उस इंसान को दे दूँगा जिससे मुझे पाई लेने हों और मैं उसे प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। तो मैं इसे कॉपी करके उसे दे दूँगा, और फिर वो कहते हैं ना अपने सेंड वाले बॉक्स में क्लिक करके रिसिप्शन एड्रेस पर डाल के मुझे पाई अमाउंट दे देगा, और मैं उसे प्रोडक्ट दे दूँगा। ऐसा अभी चल रहा है, अभी वेबसाइट आना में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी अभी ये पर्सन टू पर्सन शॉपिंग कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये पाई मेनेट है और ये पाई टेस्ट नेट है। पाई टेस्ट नेट पहले चला था, जब कहते हैं चेक कर रहे थे कोटिंग के वॉलेट चल रहा है नहीं चल रहा, जब देखी मैंने ये टेस्ट वाले पैसे नहीं करते, इनका कोई यूज़ नहीं है, ये फ्री के हैं, इनका इनसे अपन को कोई नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। पाई टेस्ट नेट है, अपन को जो भी मिलेगा पाई मिनट से मिलेगा। तो अब मैं कहता ना मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, जैसा कि आपको मैंने बता दिया वीडियो में। ओके, तो गाइस हैप्पी पाई डे।